हे सो गाइस, होस्ट बिल मार्क न्यूर। आज आप हम बात करेंगे क्राफ्टसमैन ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में। वेल, हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पर हमारे सामने है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 0.56, 0.19 और नॉन इंस्टीट्यूशन रिटेल 2.11, ओवरऑल 1.26। सेकेंड डे हो चुका है बट स्टिल नॉन इंस्टीट्यूशन कम्प्लीटली आए नहीं है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है। इवन दो सेकेंड डे, ये यूजुअली थर्ड डे ही होते हैं, बट स्टिल सेकेंड डे के हिसाब से एटलीस्ट ओवरसब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। रिटेल भी बस 2.11 है। ओके, आज लास्ट डे, हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बड़े मार्जिन से गिरा है। सो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 110-220 रुपीज़, एंड दैट इज नॉट सो ग्रेट, क्योंकि हम देखें आईपीओ प्राइस ही बहुत है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं है। सब्सक्रिप्शन भी खास काफ़ी अच्छा खासा हुआ नहीं है। बट एज कंपेयर्ड टू अदर स्टॉक्स आई मीन आईपीओ, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने का चांसेस ज़्यादा है, बट लिस्टिंग गेंस होगा बट बहुत कम होगा। लिस्टिंग गेंस हुआ तो भी बहुत कम होगा एंड थोड़ा रिस्क है। रिस्क फैक्टर यहाँ ज़्यादा है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है, एंड ऑल्सो यहाँ पर लिस्टिंग गेंस भी अगर हुए तो भी ज़्यादा अच्छे खासे नहीं होंगे। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। फॉर मी, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर लक्ष्मी ऑर्गेनिक। वो भी वीडियो देखो, वो भी मैंने अपलोड की है, वो वीडियो देखो, उसके बाद डिसीजन लिखो। दोनों भी यहाँ पर कंपेयर करो। अगर आपके पास पैसे कम है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों में से, दोनों भी वीडियो देखो, दोनों का भी एनालिसिस देखो, उसके बाद एक जाके डिसीजन पे आओ। बट एक बात यहाँ पर है, इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, लिस्टिंग गेंस होने के चांसेस कम, एंड हुए तो भी लिस्टिंग गेंस कम मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आ चुकी होगी। इट्स अ होस्ट रोहित पाकिस्तानी।